हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है साल का आखिरी दिन और मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन, क्योंकि आज है नोनू का बर्थडे। तो अभी मैं उठी हूँ, नोनू की क्लास है तो मैं नोनू को उठाऊंगी। ये फ्रेश होगा, कुछ खाएगा पिएगा, फिर क्लास के लिए बैठेगा। देखो अभी सोया हुआ है, लंबा करके सोया हुआ है कंबल। चोना उठ जाओ बच्चे, क्लास है तुम्हारी, उठ जा सोना। गुड मॉर्निंग नोनू। गुड मॉर्निंग, सबको बोलो गुड मॉर्निंग। सबको बोलो गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू तो मैं बोलूंगी, आप बोलो थैंक यू। इसको सुबह सुबह मस्ती सूझ रही है, खुश है ये बहुत ज्यादा आज, क्योंकि आज इसका बर्थडे है। तो बहुत ज्यादा मतलब पूरे एक महीने से ये एक्साइटेड था अपने बर्थडे के लिए, है ना नूनू? इतना खुश क्यों हो तुम अपने बर्थडे पे? इतने खुश क्यों हो अपने बर्थडे पे? खुश होने की तो बात है। क्या बात है खुश होने की? ऐसी क्या होगा ऐसा जिसके लिए आप इतने खुश हो, बताओ। इतनी ठंड नहीं है? ठंडी है। नहीं है ठंड, बताओ पहले, ऐसी खुश होने की क्या बात है जो कि आप इतने खुश हो? नहीं बताओगे? हम खुद ही देख लेंगे क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे आपको। वो पता है को क्या गिफ्ट देगा? सब पहले से पता है। अच्छा चलो फटाफट से उठो, मुंह धो, फ्रेश हो जाओ। मैंने चेंज कर लिया और अब हम जा रहे हैं नीचे कुछ खाने के लिए, फिर हो जाएगी नूनू की क्लास स्टार्ट। और ये देखो कितना खुश है, कितना खुश है ये बच्चा। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मेरी सिस्टर गई हुई थी मम्मी के घर और वो अभी तक नहीं आई है। आज आएगी वो, तो जब वो आ जाएगी तो थोड़ा सा मेरा काम हल्का हो जाएगा, बट जब तक वो नहीं है तब तक तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे अभी ब्रेकफास्ट करा के शाम की भी तैयारी करनी है, कि बच्चों के बर्थडे पे हम लोग बाहर से खाना नहीं खाते हैं या बाहर से हम नहीं मंगाते हैं, हम लोग घर पे ही बनाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट से नीचे। ये देखो दादी का लाडला, ऐसे क्यों कर रहे हो ना? मम्मी को थैंक यू, मम्मी को थैंक यू बोला, थैंक यू बोला मम्मी को, बोलो मेरे सामने तो नहीं बोला। चलो भगवान जी पे भी ऐसे कर रहा है जैसे तो भगवान जी इसके दोस्त हैं। और सबसे पहले मैंने ये हलवा बनाने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि हलवे को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने चढ़ा दिया ताकि आराम आराम से ये बनता रहे। मेरा तो ब्रेकफास्ट रेडी है और बाकियों के लिए है गोंद के लड्डू। और जो गोंद के लड्डू और जो गोंद के लड्डू नहीं खाएंगे, नोनू और इसके पापा ही नहीं खाएंगे बस, बाकी तो सब खा लेंगे। तो जो नहीं खाएंगे उनके लिए मैं बनाऊंगी बथुए के पराठे। बथुए के पराठे आपके लिए प्लेन बना दूंगी बस, मैं प्लेन पनीर। अच्छा चलो अभी पनीर ला रहे हैं दादू, पनीर का बना दूंगी बस। नोनू जी खाएंगे पनीर का पराठा आज, ये सब वही चीज खाएगा जो जो इसको पसंद है। एक क्लास हो चुकी है इसकी, अभी बीच में ब्रेक है और अभी इसकी एक क्लास और होनी है। डांस कर रहा है, थैंक यू बोलो दादी को। थैंक यू, अच्छा लगा, नाश्ता वाश्ता सब निपटा के आ गई हूँ मैं। नोनू की क्लासेस भी खत्म हो गई हैं और अभी मैं ऊपर आई हूँ, पहले अपने ऑफिस का काम निपटाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे और करूंगी शाम की तैयारी। अभी मार्केट भी जाना है, नोनू का केक बुक कर रखा था तो न्यू ईयर की वजह से उन्होंने बोला था कि आप दिन में ही ले जाना, तो वो भी हमें लेने जाना है। बट उससे पहले मैं अपना ऑफिस का अर्जेंट काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं जाऊंगी नीचे और तब मिलूंगी आपसे। और ये हमारा बर्थडे बॉय एकदम रेडी है। सोना कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन, बर्थडे मनाने? क्या लेके जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के लिए? ये लेके जा रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए फ्रूटी और टॉफी। पढ़ाई करने नहीं जा रहा है, कह रहा है आज पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मना के आ जाऊंगा। और ये नोनू आ गया ट्यूशन से, इसको मिले ट्यूशन से गिफ्ट। सुनो किसने दिए गिफ्ट? किसने गिफ्ट दिए बोलो? ये वाला तो मैम ने दिए। एक लड़की ने क्या नाम था उस लड़की का? काव्या।
अच्छा, और और ये दोनों ना एक ही लड़की के हैं, उसका नाम है गरिमा। अच्छा चलो ओपन करके दिखाओ क्या क्या है। ये है छूकर देखो। इरेजर। वन अरे वाह, छू के तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा और इसमें देखो क्या है, ये क्या है? ये इधर देखो, क्या है ये? पेंसिल सेट है। अरे वाह, ये पेंसिल सेट मिला है नोनू को बर्थडे गिफ्ट में। 3:30 हो गए हैं, मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट निपट गया है और मेरी सिस्टर देखो अभी तक नहीं आई है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है हमें डेकोरेशन का, और नोनू का केक भी लेना है और एक गिफ्ट रह गया था नोनू का, वो भी लेना है। तो मैं फटाफट से जाके लाती हूँ वो। तो जानी आ गई नंस की भाई। हेलो मम्मा, सुनो आज क्या है? शर्म आ रही है, इधर देख, देखना गुस्सा मेरे से क्यों, मैंने क्या कर दिया? बर्थडे में ना बुलाया, अपने बैठे के बर्थडे में ना बुलाया। बुलाया तो है मैंने। और ये मेरी सिस्टर इतनी लेट आई है कि जब तक ये आई है मैंने सारा काम भी कर दिया है। ये देखो, ये मैंने बनाई है मिक्स वेज, ये मैंने बनाई है मटर पनीर, और ये गाजर का हलवा रेडी है। अब पूरी बनाएगी ये, अब बाकी का जितना काम है सारा ये करेगी। कौन है आप? हम अभी हैं अपने वही वेगास मॉल की पार्किंग में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्किंग नहीं दिखाई थी, तो देखो मैं अभी आपको पार्किंग भी। ये देखो यहाँ पे बाइक्स हैं, हम बाइक पे ही आए हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है और नाइट कर्फ्यू की वजह से ना सबको इस टाइम घर पे भागने की लगी होती है। तो इस टाइम पे हम कल भी निकले थे तो बहुत ज़्यादा हमें रश मिला था, तो इसलिए आज हमने गाड़ी नहीं निकाली क्योंकि अगर हम गाड़ी से आते तो हम रश में ही फंस के रह जाते। ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, वहीं से हम एंट्री करेंगे मॉल के अंदर। और ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, एक्चुअली ये क्रिसमस की ही डेकोरेशन अभी तक है। और लाइटिंग देखो कितनी सुंदर है। ये एंट्रेंस है, जब हम लास्ट टाइम आए थे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे फाउंटेन्स थे, तो ये जहाँ पे फाउंटेन्स थे मेरी लास्ट वीडियो में, आप देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। यहाँ पे फाउंटेन्स होते हैं वैसे यूजुअल डेज में, बट अभी फाउंटेन को हटा के ये क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ एकदम पास से। ये देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग है, और ये बहुत सुंदर सा क्रिसमस ट्री बहुत ऊंचा सा यहाँ पे लगाया हुआ है। ये क्रिसमस की डेकोरेशन सारे मॉल्स में न्यू ईयर तक लगी ही होती है, तो यहाँ पे भी अभी लगी हुई है। मे भी अंदर कुछ और डेकोरेशन भी होगी, क्रिसमस ट्री तो है ही, बट जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज लग रही है ना वो लग रही है ये लाइटिंग। देखो कितना, मतलब दूर से देखने पे इतना सुंदर लग रहा है ना ये। वीडियो में शायद ये लाइट का कलर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि लाइट है, बट ये एकदम ना डार्क येलो लाइट है, और सामने से देखने में ना बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है इसका। अब हम चलते हैं मॉल के अंदर और देखेंगे मॉल के अंदर भी अगर कुछ अलग डेकोरेशन होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कोविड रूल्स का हम पूरा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले करेंगे हैंड सैनिटाइज और उसके बाद जाएंगे आगे। एज यूजुअल यहाँ पे हर ओकेजन के हिसाब से डेकोरेशन होती रहती है, तो यहाँ पे भी देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ से आपको क्लियरली एक्चुअली दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं आपको दिखाऊंगी फर्स्ट फ्लोर से, वहां से ना आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर व्यू इसका दिखाई देगा। यहाँ पे जो डेकोरेशन है ये है न्यू ईयर के लिए, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी फेरी यहाँ पे दोनों साइड बनी हुई है, और ये एक बड़ा सा बनाया हुआ है क्रिसमस ट्री टाइप की शेप है यहाँ की, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सीजन्स ग्रीटिंग, तो ये कुछ ग्रीटिंग्स का, क्योंकि न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है ग्रीटिंग्स देने का। और ये देखो डक बनी हुई है, डियर बना हुआ है बहुत सुंदर सा, और ये देखो मूछ वाले अंकल। यहाँ पे भी देखो ऊपर कितनी ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन की हुई है, स्टार्स लगे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं। और ये नोनू देखो बिल्कुल भी मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। नोनू कहाँ जाना है? इसको जाना है गेमिंग स्टेशन। एक्चुअली हमारा आने का पर्पस ही ये है इसको गेमिंग स्टेशन लेके जाना, क्योंकि ये बहुत टाइम से मुझे बोलता था मम्मा चलो गेमिंग स्टेशन चलो, तो मैं इसको हर बार बोलती थी कि बेटा मैं बर्थडे पे आपको लेके जाऊंगी और जितने देर आपका मन करे उतनी देर गेम खेल लेना। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इसको बर्थडे पे लेके आऊंगी गेम्स खिलाने के लिए।
और बच्चे से हम जो भी प्रॉमिस करते हैं ना, हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसको पूरा करें, क्योंकि फिर बच्चे में भी ना वही हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। नहीं तो अगर आप फेक प्रॉमिसेस करोगे ना, तो आगे चल के बच्चा भी वही चीज़ें सीखेगा और वो भी फेक प्रॉमिसेस ही करेगा फिर बाद में आपको। और ये देखो पास से देखो स्टार्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये देखो लग रहा है ना मस्त। तो देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, फेरी पूरी प्रॉपर घूमती हुई नज़र आ रही है, डियर भी सब चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ से। और मूछ वाले अंकल देखो कितने ऊँचे हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के पास तक जा रहे हैं ये। अब हम पहले जा रहे हैं गेमिंग स्टेशन, उनको पहले गेम खिला देते हैं क्योंकि मॉल 8 बजे तक ही खुला है। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में इसका गेम रह जाए तो ये घर नहीं जाएगा, ये आतंक मचा देगा रस्ते में ही, बिल्कुल आतंक मचा देगा रस्ते में। नोनू अगर मॉल बंद हो गया और हम गेम नहीं खेल पाए तो क्या होगा फिर? कल दोबारा कह रहा है कि अगर हम गेम नहीं खेल पाए और मॉल बंद हो गया तो कल दोबारा आना पड़ेगा, तो हम कल दोबारा नहीं आएंगे। हम इसको पहले गेम खिलाएंगे, बाकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। एक्साइटमेंट देखो नोनू की, और मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से कि गेमिंग स्टेशन है बंद। नोनू बंद, ये देखो गेमिंग भैया बंद है क्या? मतलब वैसे कुछ टाइम के लिए खुलता है या बिल्कुल ही बंद कर दे? बंद करा दिया और गेमिंग स्टेशन बंद है। नोनू बाहर से ही दिखा दूँ, आओ। और ये देखो मेरा बच्चा इतने मन से आया था खेलने के लिए यहाँ पे, और मुझे नहीं पता था कि गेमिंग स्टेशन बंद होगा। नोनू अब क्या करें, बच्चा मेरा बेचारा मायूस हो गया, इतने दिन से ये वेट कर रहा था। इससे अच्छा होता कि मैं इसको पहले ही ले आती। गेमिंग स्टेशन तो बंद है बट एक टॉय शॉप है सामने, उसमें मैं नोनू को घुमा के लाती हूँ, थोड़ा सा बच्चा खुश हो जाएगा। ये देखो वाओ चलाओ। सुनो मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है पर तुम इधर टक्कर मत मार देना। सुनो और हम नोनू के साथ करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैंक। नोनू ले लो, कैच करो। थकना नहीं है, लेना उसको नहीं तो देंगे नहीं। पकड़ो, अरे ये तो खाली है, दो ये वाली ले लो। ओहो ये भी खाली है नोनू, हमने तो चॉकलेट आइसक्रीम मांगी है ना। फिर से बोलो, इसके अंदर आइसक्रीम तो है ही नहीं। थैंक यू बोलो। ओहो फिर से नोनू, थैंक यू तो बोलो। अच्छी है, नीचे डेकोरेशन हो रखी थी ऐसे ही, यहाँ पे भी हो रखी है सेम। मूछ वाले अंकल यहाँ पे भी बने हुए बट ये छोटू छोटू से हैं, ये अंकल ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और इनके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल सी लाइटिंग वाली अम्ब्रेला भी है और सामने ही सिटिंग काउचेस भी हैं यहाँ पे। और अब हम आए हैं फूड कोर्ट में,
आज नोनू का बर्थडे है और नोनू अपना फेवरेट बर्गर ना खाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसकी शान के खिलाफ है। हमने इसको बोला था कुछ अलग ट्राई कर ले, पिज्जा खा ले, बट नहीं, इसको बर्गर ही खाना है, यही इसका फेवरेट है, बर्गर किंग का बर्गर। अभी खाएंगे बर्गर और फिर हम जाएंगे घर। हम घर आ गए हैं और मैंने चेंज कर लिया, अभी मैं जाऊंगी नीचे और हम करेंगे केक कट। तो और ये नोनू के बर्थडे की डेकोरेशन हो चुकी है और ये देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये, व्हाट इज दिस, सुनो सुनो, मैं नहीं हाथ लगाऊं। और ये नोनू का केक आ गया और ये बहुत एक्साइटेड है अपना केक देखने के लिए। इस बार ऐसा केक बनवाया ना नोनू तेरे लिए, नोनू इस बार ऐसा केक बनवाया ना खुश हो जाएगा तू, लेकिन तू छेड़ मत इसको, अभी खोलेंगे अभी। सोना को पहनाओ, नहीं पहनेगा, मामा को पहना दो। कोई बात नहीं, हैप्पी दादू को खिला दे। दे ले 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 इतना सारा ये ले। ये ले। अब किससे चाहिए, अब अपने आप को गिफ्ट देना पड़ेगा, गिफ्ट खिलाओ, छोटे को छोटे खिला दे, कलर से बच्चा लाओ बच्चे लाओ। नोना गिफ्ट रह गया बेटी, नोना गिफ्ट गिफ्ट रखा हुआ है, एक मोती है, थैंक यू, लाओ तुम्हारा गिफ्ट ले ले नोनू, मोसा बूट लेगी नहीं तो देखो। चलो मेरी बारी, नोनू मेरे को बुलाया नहीं, मेरी बारी, मेरे से गिफ्ट नहीं चाहिए, दोनों हाथों से पकड़ के ये लो खोलेंगे जब पता चल जाएगा तुम्हें अपने आप, दोनों फोड़े तो इधर से भी कट करो, इसका केक कटिंग अब हो रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, केक खा रही हूँ पूरे में से ही। अशोना तू भी, तुम सारा खा लोगे, ये भागू
डिस्टर्ब नहीं करूं। अच्छा खाओ फिर, खाओ इसमें, खाओ पूरा खा। सारे निकाल के एक में डाल लेते हैं सब। मैं ये पैसे मैं रख लूं नोनू? नहीं। क्या करोगे तुम? मेरे पिगी बैंक खाली है। पिगी बैंक में डालने हैं? हाँ। ठीक है तो देख तो लूं कितने हैं। काउंट तो करने दो मम्मा, तुम्हें इतनी काउंटिंग भी नहीं आती बेबी। 2000, 3000, 4000, 5000, 5200। नोनू मोटा पैसा कमा लिया तूने तो। तू आते आते कर ले फिर। नोनू आते दे दे यार, रजिस्ट्री करवाने पलट के वो बड़ा वाला भी तो है एक। पहले अब सुबह डेली 6 बजे उठा करेंगे, पार्किंग में खेलेंगे ठीक है। ये तो फोन है। फोन नहीं है। हाँ। ये गेम है, वीडियो गेम। पापा के टाइम का बचपन का गेम था, जब पापा छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, ये वाला गेम खेलते थे। अब नोनू बच्चा है, बड़ी शरारत करता है, ये वाला गेम खेलेगा। ये देखो इसको ऐसे सुनो तो सही, फिर खेलियो बाद में, मैं बताती हूँ इसको। ये ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे देख मामा को मजा खेल रहे हैं। मैं खेलूंगा इसे, बस मैं खेलूंगा। मुझे लग रहा है नोनू मामा ले जाएगा हमारा फोन। ही नहीं आएगा मुझे इसमें पता है क्या है? स्कोप है। स्कोप है? हाँ। दुर्मास हो गया नोनू। ये देखो इसको, इसको ना ऐसे मोड़ सकते हैं। हाँ वो वाला खोलो, बड़े वाला। चलो अब ये मामा का एंड में खोलेंगे। लखो ये कितने किधर है हाथ? कितने कितने ये? तीन। दो हैं दो। मैं खोल दूँ इसको? तुम खोल दो, वैसे भी मेरे से ना चलेगा। अरे यहाँ से नहीं निकलेगा। ये कर दो ना ऊपर। ये वो उसमें करेगा पढ़ाई, ठीक है नूनू? पर इसके लिए वो तो लाओ स्केच। सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। ऊपर रखे हैं वो, ये व्हाइट बोर्ड है ना, इधर कलर, इधर मार्कर से लिखेंगे। इधर के लिए मार्कर भी लाई हूँ, इधर के लिए चौक भी लाई हूँ। ये देखो निकला क्या? रिमोट कंट्रोल प्लेन है। ये बेटा स्वागत है तुम्हें। आप निकला है नोनू का फेवरेट गिफ्ट तो। बाबू तुम से नहीं उठेगा, नहीं पानी नहीं। अरे गिर जाएगा तेरा। ओ वाओ ये तो नोनू का फेवरेट आ गया, हेलीकॉप्टर। मम्मा को दो, मम्मा को दो। बोलू कल वही करेंगे का। जुड़ता है के? रुक जाओ पहले निकालो सारा फिर देख। जुड़ता है? अरे रुको बाबू उड़ेगा। छत पे तो बेटा तू प्लाट में क्रैश कर देगा इसको। सारा काम निपटा के सुबह से मैं अब बैठी हूँ, मतलब सुबह के किचन में खड़े खड़े इतना थक गई हूँ ना मैं। और 2021 बस जाने ही वाला है, सिर्फ आखिरी के 5 मिनट बचे हुए हैं 2021 के। और मैं इतनी थक गई थी ना, तो मैं बना के लाई हूँ अपनी एफ्रेश। तो अपनी एफ्रेश के साथ हम 2021 को विदा करेंगे और वेलकम करेंगे 2022 का। 2021 तो मतलब ऐसे चला गया ना, देखते देखते निकल गया कि कब आया कब गया। हमारा 2021 तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा था। जब 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन हमारे नोन में कोई ऐसा केस नहीं था कि जो कोविड पॉजिटिव हो। तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स थे। बस दुख इस बात का था कि 2020 में मेरी और हस्बैंड की दोनों की जॉब चली गई थी, लेकिन जब 2021 आया तो लगा था कि हालात सुधरेंगे। और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी 2021 की, शुरू में काफ़ी अच्छे गए थे जनवरी फरवरी। लेकिन जब अप्रैल आया, अप्रैल हमारा इतना ख़राब गया ना, मतलब हमारी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी। और हमारी ना सिर्फ हमारी फैमिली, मेरी यहाँ पे मतलब सब हो गए थे हमारे घर में, सिर्फ नूनू
और मम्मी बची थी हमारी, अदरवाइज हम लोग सब कोविड पॉजिटिव हो गए थे। छोटा बच्चा भी हमारा कोविड पॉजिटिव हो गया था और मम्मी के घर पे भी सारे हो गए थे, वहां पे भी सिर्फ मेरी मम्मी बची थी, पापा और भाई दोनों पॉजिटिव हो गए थे। और हमारे मैक्सिमम रिलेटिव, मतलब जिसको भी फोन कर लो ना तो उसको ही, मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना माहौल कि किसी को फोन करने तक का मन नहीं करता था कि किसी को कॉल करेंगे तो यही खबर मिलेगी, वहाँ पे वो एक्सपायर हो गया, उसको ये दिक्कत हो रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकली हम लोगों को इतना चैलेंज नहीं आया, लेकिन मेंटली तो मतलब हम लोग एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब जैसे एकदम होता है ना कि अजीब सा, क्या मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं उस चीज़ को वर्ड्स में ना, इतना मेंटली हम लोग डिप्रेस्ड हो गए थे ना कि जहाँ से सुनो वहीं से वही खबरें। पर सब हम ठीक ठाक हो गए थे, दोनों फैमिलीज और जो भी हमारे नॉन रिलेटिव्स, जो भी जिसको भी कोविड हुआ था, सब लोग एकदम ठीक हो गए थे। उसके बाद मई जून और जुलाई से तो मैं आपके साथ हूँ रेगुलरली, तो आप देख ही रहे हो कि आराम से जा रही है ज़िंदगी। और 12 बज चुके हैं, तो आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि अगला आने वाला साल आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए, बहुत सारी हेल्थ, बहुत सारी खुशियाँ, और जो भी हमारे गोल्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो हम सब लोग अचीव कर पाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोनू को विश कर देना कमेंट करके। वो बहुत खुश होता है जब उसकी रील पे या किसी वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है बच्चा। मतलब उसको ना मोटिवेशन मिलती है वहाँ से कि हाँ मैंने अच्छा किया तो मतलब लाइक्स आ रहे हैं मुझे। तो नोनू के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर।